सो हे देयर, व्हाट्स गोइंग ऑन यूट्यूब, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑन दी चैनल। मेरा नाम है धूमेंद्र और आज की इस वीडियो में आप लोग जो है अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक केडेंस की तरफ से आने वाले माइक्रोफोन स्टैंड का, जो कि इस टाइप के जो है बॉक्स में आता है। और ये बॉक्स जो है काफ़ी बड़ा और हैवी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा हैवी हो सकता है। तो सबसे पहले यार बॉक्स खोल के देखते हैं कि आपको क्या क्या देखने को मिलता है इस स्टैंड में। होपफुली यार सब चीज़ें सही हों। और ये हो गया है एक साइड से अपना जो है बॉक्स है वो कट। देन जो है यहाँ पे आपको एक बॉक्स जो है और देखने को मिलता है, इसको रखते हैं साइड में। फिर यहाँ पे आपको केडेंस की जो है ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको और टेप लगा हुआ देखने को मिल जाता है। इस टाइप के पैकेजिंग के साथ आता है यार ये जो है माइक्रोफोन स्टैंड। बिल्ड क्वालिटी काफी ठीक ठाक लग रहा है मेरे को। तो दोस्तों इस वाले स्टैंड का जो है मैंने टेस्टिंग कर लिया है कि क्या है, कैसा है और क्या क्या इसके फीचर्स है, बिल्ड क्वालिटी कैसा है, क्या स्टर्डीनेस है, कैसा ये जो है परफॉर्म करता है। तो यार सबसे पहले अब इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो यार इसका बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी सही है। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था, बट मैं कंप्लेन नहीं करूँगा क्यों, क्योंकि ये बहुत सस्ता है, उतना ज़्यादा महंगा नहीं है। और उसके हिसाब से यार इसका मटेरियल मुझे काफ़ी सही लगा है। तो ये जो माइक्रोफोन स्टैंड है आपको यहाँ पे इस टाइप का कुछ एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। और ये जो है ऐसे खुलता है, फिर ये नीचे चला जाता है, उसको आप ऐसे लॉक करोगे, लॉक करने के बाद ये जो है ऐसे टाइप का जो है खुल जाता है। देन ये जो है ऐसे सरफेस पे चला जाता है और इधर आप जो है एक और अटैचमेंट जो है फंसा सकते हो इस वाले नट पे। यहाँ पे आप जो है अपना माइक्रोफोन, जिस टाइप का भी माइक्रोफोन आप यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी इस वाले स्टैंड के साथ ही जो है शॉटगन माइक्रोफोन, तो मैं इसको जो है इसका अटैचमेंट तो मैंने निकाल दिया है। डायरेक्टली इसको मैं जो है सिंपली ऐसे पुट करूंगा, उसके बाद जो है ये जो है रेडी टू गो हो जाएगा। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ इस स्टैंड के बारे में कि अगर आप जो है इस वाले जो पोर्शन को ऐसे ज़्यादा निकालते हैं तो ये जो है ऐसे ऐसे गिरता है। तो आप यार इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये वाला जो सेंटर का पोर्शन है और ये जो पाइप वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा बीच में रहे, ताकि ये जो है ऐसे ऐसे बबलिंग ना करे। तो इस टाइप का है। देन उसके बाद यार ये जो है स्क्रू है, इसको ऐसे ऐसे घुमाओगे फिर ये और लंबा होते जाता है। आपको जितना लंबा टांगना है आप उतना लंबा कर सकते हो अपने माइक्रोफोन को। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है यार, किसी भी टाइप से आपको कोई इशू नहीं देगा। 15,000 के माइक को मैंने लगा के रखा है 800 के स्टैंड पे, तो काफ़ी सही है, अच्छा जम रहा है दोनों का, मतलब लिटरली अच्छा खासा है बिल्ड क्वालिटी। यार आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आपका माइक्रोफोन सेफ है। अगर आप जो इस टाइप का माइक्रोफोन इस स्टैंड में लगाते हैं तो आपको जो है यार नीचे में कुछ वेट डालना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है ऐसे या फिर ऐसे गिर जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाला जो माइक्रोफोन है यार हल्का है, तो आपको इसमें कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा आपको वेट डालना पड़ेगा अगर आप जो है बड़ा वाला माइक इसमें लगाते हैं तो। और एक चीज़ यार, इसके साथ मेरे को दो टाइप का अटैचमेंट मिला था। ये वाला जो है पहला अटैचमेंट है, दूसरा अटैचमेंट जो है ये है, क्लिप है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर रिव्यू अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और गुड बाय।